हेलो फ्रेंड्स, शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। पता नहीं आपको मेरा वीडियो कब मिले, इसलिए सारी विशेष मैंने आपको एक साथ दे दी। मैं मेघा कंसल, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज जो अपनी वीडियो लेकर आई हूँ वो है हेल्थ से रिलेटेड। हम सभी खुद को बहुत प्यार तो करते हैं, पर हम खुद को प्यार करने के साथ साथ अपनी हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है? अच्छी हेल्थ तो हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, किसी तरीके की कोई दवाई ना खाएं, पर उसके लिए हम क्या करते हैं आप ही बताइए। चाय तो आप पीते हैं, कॉफ़ी तो आप पीते हैं, चीनी तो आप खाते हैं, चिप्स तो आप खाते हैं, कुरकुरे तो आप खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स तो आप पीते हैं। क्या आपको पता है कि ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा नुकसान करती हैं? ये तो सिर्फ मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए होती है, पर वो हमारी बॉडी में कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं देती है। आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या में एक बार चेक करिए कि आप क्या चीज़ अपने शरीर के लिए खा रहे हैं। जो भी आप खा रहे हैं आप अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं, बट आप अपने शरीर के लिए नहीं खा रहे हैं। यही रीज़न है कि आज के टाइम में जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम ये तो देखते रहते हैं, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, उसको ये बीमारी लग गई, उसे वो बीमारी लग गई। इतना सब कुछ देखने के बाद भी हम अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। इतनी वीडियोस आती हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, योगा करिए, प्राणायाम करिए, पर हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। एक जो हमारा आलस होता है वो हमें बार बार रोक देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है आपको अवेयर करने के लिए है कि थोड़ा सा अवेयर हो जाइए और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को प्यार करिए, और हेल्थ के लिए आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन किन चीज़ों को अपना कर छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी हेल्थ को वाकई बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप चाय पीते हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए, कॉफ़ी पीते हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये आपको फ़ायदा नहीं देने वाली। अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप तुलसी की पत्ती डालकर उसका पानी उबाल कर वो पीजिए ना, सिप कर करके, और आप देखिए वो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देगी। अगर आपको चाय पीने का इतना ही मन है तो चाय की जगह आप गर्म पानी पीजिए सिप कर करके, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये आपके शरीर में क्या करती है आपको खुद नहीं पता। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एलिमेंट है आपकी बॉडी के लिए। जो भी हम पिज़्ज़ास, बर्गर, ये जो भी हम खाते हैं, आपने कभी सोचा है कि ये जो फूड रखे रखे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जमा हो जाती हैं? जब हम कोई भी सब्जी बनाकर सुबह से लेकर रात तक के लिए अगर बाहर रख देते हैं तो उसकी क्या कंडीशन हो जाती है, वो कैसे बैडली स्मेल करने लगती है। तो आप सोचिए कि ये जो भी हम बना हुआ चीज़ पुरानी बासी रखी हुई होती है, जब हम उसे खाते हैं तो वो हमारे शरीर में अंदर जाकर क्या करती होगी। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि जितना भी हो सके जो हमारा ताज़ा पका भोजन है उसे खाने की कोशिश करें, जितना हो सके फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स जो हमारी बॉइल्ड हैं उन्हें खाएं, सूप पिएं, जितना ज़्यादा आप सूप पिएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे कच्ची, आप देखेंगे आपके फेस पे भी उतना ही ग्लो आपको दूर से दिखेगा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप ओल्ड एज में भी यंग दिखेंगे। आप जरा सा अपनी डाइट को चेंज करिए, गुनगुने पानी का सेवन करिए। आप सभी जानते हैं कि गुनगुना पानी, गर्म पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और जितना ठंडा पानी हम पीते हैं वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा नुकसान देता है। हम जानते सब हैं, हम दूसरों को गाइडेंस भी देते हैं, पर हम खुद कुछ नहीं करते, क्या करना है करके। पर मित्रों, हम जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो इन चीज़ों को आपको अपने जीवन में धीरे धीरे करके
बढ़ाना है और जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं उनको कट डाउन करना है। चीनी को इस्तेमाल करना अगर आप बंद करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करिए, जो देसी गुड़ होता है हमारा, या फिर जो बड़े वाले मिश्री के डले आते हैं, मिश्री इस्तेमाल करना आप शुरू करिए, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। पर चीनी हमें नुकसान देती है, आप नहीं जानते ये बात। अगर आपको कोई मिठाई बनानी है तो कोशिश करें घर की मिठाई बनाकर खाएं, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश चीज़ें खाएं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों का मन करता है पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो उन्हें घर पे बना के दीजिए आप, ताकि आप उसमें जो भी चीज़ डालेंगे वो अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बट जब आपका बच्चा बाहर की चीज़ खाएगा, आपको नहीं पता वो कब की बनी रखी है और कैसे कैसे बनी रखी है। मैं जानती हूँ आज की चीज़ों में सभी चीज़ों में मिलावट है, पर जितना हो सकता है हम उतना तो हम अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं ना। अपने लिए सुबह या शाम के टाइम थोड़ा सा समय निकाल के, चाहे 15 से 20 मिनट हो या आधा घंटा हो, योग या प्राणायाम तो हम कर सकते हैं ना। मित्रों, मेरी ये जो रेमेडी और ये जो मेरी आज की वीडियो है आपकी हेल्थ के लिए है। मेरी बात का विश्वास करिए और इन चीज़ों को अपना कर आप अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाइए और अच्छी हेल्थ पाइए। जो भी आप ऑयल्स का यूज़ कर रहे हैं, कम से कम ऑयल का यूज़ करें और देखें आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं क्या है उसकी क्वालिटी, वो आपको कितना हार्म कर रहा है। तो ऑयल का इस्तेमाल करने से भी पहले 10 बार सोचिए, बच्चे को देने से पहले 10 बार सोचिए, हो सके तो घर का देसी घी बनाकर उसे इस्तेमाल करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।